एवरीवन, मैं हूँ खुशी। वेलकम डिवाइन से मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई एम टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट एंड नामाफेरा ग्रैंड मास्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अप्रैल मंथ की रीडिंग, जो कि करियर रिगार्डिंग रहेगी और अप्रैल मंथ करियर के लिए कैसा रहेगा। तो चलिए जानते हैं, करते हैं हमारी अगली राशि जो है सिंह राशि, लियो राशि। लियो राशि वालों के लिए तीस मंथ कैसा रहेगा, तो चलिए जानते हैं करियर रिगार्डिंग। करियर रिगार्डिंग अगर मैं कहूँ तो वाव, अच्छी मूवमेंट नजर आती हुई दिखाई दे रही। कहीं ना कहीं आप काम को बहुत अच्छे तरीके से करते हुए नजर आते हुए दिखाई दे रहे। एक ब्यूटी से, एक प्यार से, एक अगर मैं कहूँ तो बहुत अच्छे तरीके से हर चीज को प्रेजेंटेशन करना आपको काफी अच्छा लग रहा है। कुछ चीज को लेकर आप बहुत मेहनत कर रहे हैं कि मतलब मेरा काम अच्छा हो जाए, कोई भी चीज में कमी ना हो। अगर मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं पार्टी के बारे में हो सकता है, क्योंकि ब्यूटी खास करके ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं पार्टी के बारे में, या फिर कहीं ना कहीं शादी माहौल आपके घर पे जो कुछ भी सारी स्थिति हो, तो उस चीज को लेके या फिर काम को लेके, कुछ न्यू प्रोजेक्ट को लेके अगर आप काम करें तो वहां पे भी अगर आप ब्यूटी लेके आ सकते हो। एंड में साथ में कहूंगी कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा सीरियस हो चुके कि नहीं, मुझे अपना काम जो है अच्छे से प्रेजेंटेशन करना है, किसी को अच्छे से दिखाना है, एक में जैसे काम करता हूँ उस तरीके से अपना तरीका आपको बताना है। कहीं ना कहीं फाइनेंशियल गेन आपकी ज्यादा दिखाई दे रही है, मनी इनकम सोर्स बढ़ती हुई नजर आती दिखाई दे रही है। डेस्टिनी चेंज हो रही है, कहीं ना कहीं आपके कर्मा चेंज हो रहे। तो जब डेस्टिनी चेंज होती है तो आपका जो कुछ भी पिछला जितना भी बैड मोमेंट जो होगा, तो एक न्यू रिकवरी होते दिखाई दे रहा है। एंड मैं कहूंगी कि आपको लोग भी बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हुए नजर आते दिखाई दे रहे। कहीं ना कहीं लोग भी कहते कि नहीं, बहुत ज्यादा मेहनती बंदा है, या फिर मेल फीमेल दोनों के लिए बता रही हूँ। तो जैसे कि मेहनती पर्सन है, मेहनत करता है, बहुत ज्यादा हार्डवर्किंग मोमेंट है, बहुत अच्छी सी मोमेंट है। बट कहीं ना कहीं आप इमोशनल फीलिंग्स मुझे जहां तक लगता है फैमिली के लिए हो सकते हैं या फिर काम के लिए हो सकते हैं। बट जैसे कि ये कंडीशन तो दिखाई दे रही है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इमोशनल, थोड़े से सैड नजर आते हुए दिखाई दे रहे। बट आप अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ते नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक न्यू काम अगर मैं कहूँ तो हाँ, न्यू प्रोजेक्ट ले सकते हैं, न्यू काम की शुरुआत कर सकते हैं। पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी नेगेटिव फीलिंग्स हैं। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आप में बहुत ज्यादा बोलते ना कि हर चीज है, आप हर चीज कर सकते हैं, पर कहीं ना कहीं आप अपने आप को गुस्से को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। उसके वजह से भी आप, मुझे लगता है शायद उस वजह से भी परेशान दिखाई दे रहे हैं कि आपको ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को गुस्से से कंट्रोल करूं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आप थोड़े बहुत मुंह फट हो सकते हैं। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मेरा बात करना किसी को पसंद नहीं आता, तो शायद आप वहाँ पे अपनी लैंग्वेज जो है थोड़ी कंट्रोल करने की स्थिति में दिखाई दे रहे। अपनी लैंग्वेज को आप बहुत अच्छे तरीके से संभाल के बोलना, अच्छे तरीके से उसमें हर इंसान को समझा के बताना, ये वाले मोमेंट्स मुझे नजर आते हैं दिखाई दे रहे लियो वाले। क्योंकि लियो वाले खास करके मैंने तो जहां तक देखा कि नहीं बात करते, पर यहाँ पे दिखाई दे रहे कहीं ना कहीं आप अकेले रह के बहुत ज्यादा हर चीज सोचते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसके साथ आपको कैसे नेचर से साथ रहना चाहिए, किसके साथ आपको कैसे नेचर के साथ नहीं रहना चाहिए, आपको किनके साथ बात करनी चाहिए, किनके साथ नहीं बात करनी चाहिए। बहुत अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है आपकी। एक न्यू काम करते हुए दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं न्यू जॉब के बारे में आपको ऑफर भी आ सकता है, कहीं ना कहीं न्यू जॉब भी ढूंढ सकते हैं जो न्यू जॉब ढूंढना चाहते हैं। काफी कंफ्यूजन होगा पर न्यू जॉब आप ढूंढ सकते हैं। एंड मैं कहूंगी कि डेस्टिनी जब चेंज हो रही है, कहीं मतलब कि जब व्हील ऑफ कर्मा जो होता है आपके जो चेंज होते हैं, लक कर्मा जब आपके चेंज होते हैं, कहीं ना कहीं आपके डेस्टिनी में भी बदलाव आता है। काफी मुझे जहां तक लगता है कि मैंने बीच में जब रीडिंग की थी तो थोड़े लियोज वाले मुझे थोड़े परेशान नजर आते हुए दिखाई देते थे, पर दिस टाइम भी ये इमोशनल फीलिंग्स है, क्योंकि लॉन्ग टाइम से जो काम करते आते हुए दिखाई दे रहे, तो उनको लगता है कि काफी मेहनत करना पड़ता है। पर आप कि अभी थोड़ी सी नेचर में जहां तक दिस टाइम चेंज होते दिखा दे रही कि आपको काम करना है, पर ब्यूटी से अगर काम करें तो आपके काम में जो है फास्ट तरीके से मूवमेंट बहुत आएंगे। अगर आप किसी को अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन करते हैं, एक अच्छे तरीके से काम बताते हैं, कहीं ना कहीं आप अपने काम में ब्यूटी लेके आ रहे हैं, खुद की तरफ ब्यूटी लेके आ रहे हैं, खुद को अच्छा दिखना, खुद को अच्छे से रखना, मतलब अच्छे से जैसे कि मैं जहाँ पे भी रहूँ मैं खुद को अच्छे से दिखूँ, तो ये वाले भी मुझे जहाँ तक है दिस मंथ आपका लग दिखाई दे रहा है। एंड कहीं ना कहीं रात को नींद नहीं आना, परेशान होना, थोड़ी सी ये वाली भी मूवमेंट नजर आती दिखाई दे रही।
अगर मैं अगर एक बात करूँ तो स्पेशली बात कि आप अपने दिल की बात किसी को नहीं बताएंगे कि आपको करना क्या है, कि काम क्या करना है। सब लोग आपसे राय मांगने के लिए आएंगे, आप सबको राय बता देंगे, पर आप अपने दिल की बात नहीं बताएंगे। तो दिस मंथ मुझे जहां तक लग रहा है कि आप अपने मन की स्थिति को खोलते हुए नहीं नजर आते हुए दिखाई दे रहे। पर हाँ, कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यू भी, थोड़े से बैक पेन या फिर कोई कहीं ना कहीं काम की वजह से थोड़ा सा प्रेशर या फिर थोड़े बहुत बीच में हेडेक हो सकते हैं। कहीं ना कहीं लैंग्वेज को स्ट्रांग अपनी रोकते हुए भी नजर आते हुए दिखाई दे रहे, क्योंकि खास करके जरूरी है। तो ये वाली मूवमेंट मुझे दिस मंथ आपकी काफी अच्छी लगी, तो प्लीज मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के भेजिए कि दिस मंथ आपका कैसा रहा। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। एंड मैं ऐसे ही आपसे मिलती रहूंगी, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।